औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा जी, लाइव को ज्वाइन कीजिएगा, अच्छी सी कीजिएगा शेयरिंग। वालेकुम सलाम इर्फ़ज़ी शाह जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? चलिए जी, आ जाइए जी, लाइक को ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा ये देखिएगा, ये बड़ी प्यारी सी कलेक्शन है शॉल में, ये पश्मीना में शॉल है इसकी। बहुत लाइट वेट और सॉफ्ट सा इसका फैब्रिक है, बड़ी लाइट वेट सी। इसमें ये देखिएगा, ये ना वेलवेट की एम्बोस है, ये देखिएगा, ये देखिए इस तरह से सारी ये वेलवेट में है। इसके इस तरह से पल्लू है, फुल विड्थ के साथ और लेंथ के साथ ये शॉल है, ठीक है। ये देखिएगा सारी इसकी वेलवेट की जो है ना एम्ब्रॉयडरी, ये वाली सारी इसकी वेलवेट में है, ये आप देख लें, बहुत प्यारी पल्लू के साथ है। अच्छा इसमें ना मैंने ज्यादा कलर नहीं लिए, इसमें ज्यादा मैंने ब्लैक कलर ही लिए। ये देखें इसकी डिजाइनिंग आप चेक करते जाइएगा। 2000 में आपने इसे डन करना है। ये देख लें, ये वेलवेट एम्बोस में ये शॉल है, बड़ी प्यारी सी है ये शॉल। इसको आप चेक कीजिएगा, कलर देखिएगा, और ये इसमें
इस तरह से ये देखें, ये इसकी ये भी सारी ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी है, ये देखें, ये चेक पश्मीना में ये शॉल है। वालेकुम अस्सलाम सईद ब्रदर जी, ब्लैक में ये है, ये आप देख रहे हैं 2000 में आपने इसे डन करना है। इसके डिजाइन चेक करते जाइएगा, एक ब्लैक में ये डिजाइन है। पहले मैं आपको इसके ब्लैक के डिजाइन शो करूंगी। ये देखें बहुत लाइट वेट और सॉफ्ट सा ये फैब्रिक है। अच्छा जी, बड़ी प्यारा सा है। पहले मैं इसमें ब्लैक में एक ये डिजाइन है, 2000 इसकी प्राइस है। पहले आप ये चेक कर लीजिएगा, फिर इसके बाद मैं आपको उसमें चेक करवाऊंगी निशात की प्रिंटेड में, वो जस्ट आपको 1100 में मिल जाएंगी। अच्छा ये देखिएगा, एक इसमें ब्लैक में ये है, ये इसमें ये देखिएगा ऑरेंज मस्टर्ड शेड और रेड शेड के साथ है। ये देखिएगा एक इसमें ब्लैक में ये डिजाइन है, ये आप चेक कर लें। अच्छा जी, एक ब्लैक में ये डिजाइन है, वो ऑरेंज मस्टर्ड और रेड का कॉम्बिनेशन था। ये देख लीजिएगा, इन्हें आप प्लेन सूटों के साथ जिस तरह से भी मैच करना चाहे करें, ये वैसे बाहर सेपरेट भी अब यूज करना चाहे जैसे कीजिएगा। बहुत प्यारी शॉल है, बॉर्डर इसका बहुत प्यारा है। ये देखिएगा इस तरह से ना वेलवेट एम्बोस के साथ है, ये सारी इसकी वेलवेट में है टोटली। ये मारिया बी के जो डिजाइन है ना उनकी, ये उस तरह उन्होंने उसको कॉपी करके ये बनाया है। ये देखिएगा फैब्रिक जो है इसका पश्मीना है। फिर इसमें जी ये देखिएगा इस तरह से ये सारी वेलवेट की एम्बोसिंग है। ये चेक कीजिएगा इसकी बैक, ये जब चीज आपके हैंड में आएगी आपको फिर आइडिया होगा। और ये देखिए इस तरह से इसमें डिफरेंट ज्यादातर ब्लैक कलर्स ही हैं, ये देख लीजिएगा। अच्छा इसमें एक ये रेड और स्किन का कॉम्बिनेशन है, वो रेड और उसका मस्टर्ड का कॉम्बिनेशन था। इसमें फिर ये देख लीजिएगा, ये मस्टर्ड और स्किन में है, ये आप पे डिपेंड करता है। आपने इसको अपने ये चेक करें किसके साथ टैली करना है, अपनी शॉल के साथ, टू पीसेस के साथ करना है, सेपरेट में लेनी है। ये देखें इसका कितना प्यारा है कलर कॉम्बिनेशन और इसकी डिजाइनिंग, ये इसका डिजाइन चेक कर लीजिएगा। अच्छा फिर ये देख लीजिएगा, ये रेड में और ऑरेंज मस्टर्ड में ये वाली शेड आ गई, ये आप चेक कीजिएगा इस तरह से, ठीक है। एक इसमें ये डिजाइन है। फिर आ जाता है जी मेरून डिजाइन, ये थोड़ी सी डिफरेंट सी थी, हटके थी बाकी शॉल से, चीजों से, एम्ब्रॉयडरी से, मैंने इसलिए ली। बड़ी प्यारी सी डिसेंट सी ये इनकी लुक है और ये वेयर की हुई बड़ी ग्रेसफुल सी लगती है। ये देखिएगा इस तरह से, ये मेरून में है, मेरून में स्किन और रेड का कॉम्बिनेशन, इसकी अपनी लुक है। ये देख लीजिएगा सईद ब्रदर, ये 2000 में है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये शॉल आपको मिलेगी। फिर इसमें अच्छा मेरून में वो रेड और स्किन का कॉम्बिनेशन था, इसी में ये देखिएगा ये मस्टर्ड का, ऑरेंज मस्टर्ड और स्किन का कॉम्बिनेशन है। ये देख लें, बड़ी कलर्स भी बड़े प्यारे से हैं, ठीक है। इसमें ये आप चेक कर लीजिएगा, बाकी फैब्रिक अच्छी तरह एम्ब्रॉयडरी मैंने आपको सारी शो कर दी है। अच्छा मैरून में ये देखिएगा, एक टोटी स्किन पे और सिल्वर पे है, ये आप चेक करें ऐसे, ये देखें आप इस तरह से, अच्छा जी। एक इसमें नेवी ब्लू है, नेवी ब्लू एक ही आई है, ब्लैक और मेरून मैंने ज्यादा मंगवाई थी, ठीक है। ये देखिएगा ये नेवी ब्लू कितना प्यारा है, इसमें रेड और स्किन कितना प्यारा लग रहा है कॉम्बिनेशन, ये आप चेक कर लो। अच्छा जी इसमें, वालेकुम सलाम माही डॉल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी एक इसमें ये चेक कीजिएगा, ये स्किन में है, स्किन में ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन के साथ है। ये देखिए इसका बॉर्डर कितना प्यारा लग रहा है, इसे आपने 2000 में डन करना है। ये पश्मीना की शॉल है, बहुत लाइट वेट और सॉफ्ट सी, मारिया बी के डिजाइन वाली ये शॉल्स हैं। इसमें ये देखिएगा सारी जो ये वाली जो चीज है ना, सारी ये वेलवेट में इसकी एम्ब्रॉयडरी है। ये आप इसकी बैक से चेक कीजिएगा इस तरह से, ठीक है। सारी वेलवेट एम्बोस हुई, ये टोटली एम्ब्रॉयडर्ड है, ये देखें, और बड़ी प्यारी डिसेंट सी इसकी एम्ब्रॉयडरी है। जस्ट आपने इसको 2000 में डन करना है फुल। ये जो बड़े वाली शॉल होती है ना, ये वो वाली शॉल है,
अच्छा ये वाली थी एम्ब्रॉयडरी वाली शॉल्स। अच्छा जी इसके अलावा इसमें ये शॉल्स हैं, ये हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी वाली ये शॉल्स आप चेक कर लीजिएगा, इनके कलर्स देख लीजिएगा। ये आपको मिल जाएगी 800 में। एक इसकी ये वाली शॉल है, कलर है ये देखिएगा। अच्छा ये नेवी ब्लू शेड है, एक इसमें ये वाला कलर है, ठीक है। ये आपने 1800 में डन करनी है। एक इसमें ये ब्लैक वाली है, इसको भी आपने 1800 में डन करना है। ये भी पश्मीना में, ये आपने देखी होगी फैब्रिक का सेम है, एम्ब्रॉयडरी चेंज है। एक इसमें आप ये कलर देखिएगा, ये ब्लैक में स्किन और गोल्ड के कॉम्बिनेशन के साथ है। ये सारी हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी और इसमें पेस्ट प्रिंटिंग में है, ये आप चेक कीजिएगा। इसे आपने 1800 में डन करना है। इसमें वो ब्लैक कलर था। इसके अलावा जी इसमें ये देखिएगा, ये पिंक कलर है, ये कलर चेक कीजिएगा इस तरह से। इसमें ये वाला कलर है, ये देखिए आप। फिर इसमें ये मेरून कलर है, ये चेक कीजिएगा इस तरह से, ठीक है। ये देखें इसमें ये मेरून कलर आ गया। अच्छा जी एक इसमें ये देख लीजिएगा, एक इसमें ये पर्पल शेड है, ये देखिए ये इस तरह से इसमें ये पर्पल शेड में है। ये देखें इनकी विड्थ बहुत ज्यादा है और एम्ब्रॉयडरी ये देखिएगा इस तरह से, इसका बॉर्डर भी है, बड़ी प्यारी सी ये चीज है। इसे आपने 1800 में डन करना है। वो आपको 2000 में मिलेगी वेलवेट एम्ब्रॉयडरी वाली, और ये वाली जो है ना ये आपको 1800 में मिलेगी। अच्छा जी इसके अलावा ये देख लें, ये निशात की ना प्रिंटेड शॉल है, ये सिल्क वूल टाइप इनका फैब्रिक है, बड़ी सॉफ्ट की प्यारी सी है। ये जस्ट आपको ना 1100 में मिलेगी। इसके कलर्स कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा, ये देखिएगा एक इसमें ये कलर है, ठीक है। ये देखिए बड़ा इस तरह से ना सिल्क वूल वाली सॉफ्ट सी वाली ये है। जस्ट 1100 में इसको डन कीजिएगा। कलर कॉम्बिनेशन आप देख लीजिएगा, एक इसमें ये कलर आ गया, ठीक है। एक इसमें अच्छा बड़ी प्यारी सी ये ग्रीन के कॉम्बिनेशन के साथ है। इसमें ये देखिएगा पिंक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। एक इसमें ये देखिएगा, और ये बहुत प्यारी है। ये देखें इस तरह से इसका डिजाइन है, ये डिजाइन देखने कितना प्यारा है। फिर जी इसमें ना ये देखिएगा, ये चेक करें इसमें बड़ी प्यारी ना, ये लग्जरी वाली शॉल है, सेल्फ जैकार्ड है, ये चेक करें। ये भी जस्ट आपको 1100 में मिल जाएगी, ठीक है। ये देख लीजिएगा फुल विड्थ और लेंथ के साथ है, बहुत प्यारी ये शॉल है। कलर कॉम्बिनेशन देख लें इसका, ग्रीन और लाइट इसमें पिंक का कॉम्बिनेशन है, इसे आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा जी एक इसमें ये देखिएगा, ये चेक में है, चेक में और लाइनिंग में इस तरह से, इसको आप देखिएगा, ये चेक बड़ा सॉफ्ट सा प्यारा सा। ये जी वूल में है, वो सिल्क वूल में थी, ये वूल में है, बड़ा प्यारा सॉफ्ट सा इसका फैब्रिक है, लाइट वेट सी है, ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ओरिजिनल निशात की ये शॉर्ट्स है, जस्ट आपने इसको 1100 में डन करना है। ये देखिएगा अच्छा जी एक इसमें ये कलर चेक कीजिएगा। ये टू पीस इसके साथ आप कर लें जिस तरह से भी, ये देखें ये भी बहुत प्यारी है, सॉफ्ट सी लाइट वेट सी ये शॉल है, ये चेक कीजिएगा। इसका कलर कॉम्बिनेशन देखें और इसकी विड्थ देखें, जस्ट आपने इसको 1100 में डन करना है। बड़ी प्यारी सॉफ्ट सी है ये, लाइट वेट सी शॉल्स है, निशात की है, ओरिजिनल प्रिंटेड में है, जस्ट आपने इसको 1100 में डन करना है। एक इसमें ये ब्लैक देखिएगा,
वालेकुम अस्सलाम मीरा भरून जी, कैसी हैं आप? ये जिस तरह की मैंने आपको पिंक शो की थी ना, ये वाली ब्लैक वैसी है। ये देखिएगा, इसमें भी ना ये देखिए जकार्ड, सेल्फ जकार्ड बेस पे ये है। ये देखिएगा आप, नहीं अभी शो करना है जी। मदीहा शहबाज जी, एम्ब्रॉयडरी शॉल्स हैं। सबसे पहले मैंने ब्लैक में ये एम्ब्रॉयडरी शॉल्स ही मतलब शो करवाई हैं। ये देखिएगा, ये बड़ी डिफरेंट सी शॉल्स ही, बड़ी प्यारी सी डिसेंट सी एम्ब्रॉयडरी के साथ है। ये इस तरह से इनके पल्लू हैवी हैं, जो शोल्डर्स पे ज्यादातर वेयर की जाती हैं, ये उस तरह से है। ये देखें, ये पश्मीना में ये शॉल्स हैं। ये फैब्रिक आप इनका चेक कर लीजिएगा, बहुत लाइट वेयर सा। और ये वाली जो इसकी एम्ब्रॉयडरी है ना, ये देखें जो इसके पल्लू हैं, ये वाले ये सारे वेलवेट जी जी विंटर में है, वेलवेट एम्बोस्ड है। ये देखिएगा वेलवेट में, सारी वेलवेट एम्ब्रॉयडरी है इसकी। ये आप चेक कीजिएगा, बड़ी प्यारी सी डिसेंट सी ये एम्ब्रॉयडरी इसकी। ये मैंने इसमें ब्लैक में, ज्यादा इसमें ब्लैक में ही है शेड्स वगैरह शो किए हैं जी। वो एम्ब्रॉयडर शॉल ही है मदिया शहबाज जी, ये वेलवेट एम्ब्रॉयडर वाली जो मारिया बी के स्टाइल वाली है, ये आपको 2000 में मिलेगी। और ये वाली जो शॉल है ना, ये वाली ये आपको 1800 में मिलेगी। ये वाली इस तरह से एम्ब्रॉयडर शॉल थी, नीडल कारी में जो है ना, प्रिंटेड और नीडल कारी के साथ। ये वाली इस तरह से, ये देखिएगा, ये वाली मैंने शो की है, ठीक है। वो वेलवेट एम्ब्रॉयडरी वाली शो की है। और दूसरी इसके अलावा ये मैं शो कर रही हूँ निशात की प्रिंटेड में, ये जस्ट आपको 1100 में मिल जाएंगी, ठीक है। हम दिया शहबाज जी, पर्पल डन है आपकी, ये देख लें। अच्छा, निशात की जो प्रिंटेड शॉल है ना, ये जस्ट आपको 1100 में मिलेगी। अच्छा, एक इसमें ठीक है, दिया शहबाज जी पर्पल डन, ठीक है। अच्छा, एक इसमें ये देखिएगा, ये बहुत प्यारी है, ये शॉल चेक कीजिएगा, ये बड़ी प्यारी ग्लिटर वाली शॉल है। कॉम्बिनेशन इसका बहुत प्यारा है, ये देखें इस तरह से, ये ना जिस तरह से इस पे पेस्ट प्रिंटिंग होती है, ये देखिएगा शाइन में है। ये चेक करें, ये लग्जरी में इसकी निशात की ये शॉल है, ये देखें इस तरह से, ठीक है। ये आपको 1100 में मिलेगी, ये देख लें आप, कलर बहुत प्यारा है। इसकी प्रिंटिंग देख लीजिएगा, इसकी बड़ी प्यारी सी, इसमें बॉर्डर में इसके शाइनिंग है सिल्वर सिल्वर सी, ये देखिएगा। और बाकी सेल्फ जकार्ड बेस भी है, ये चेक कर लें। ये नॉर्मल इतनी है, लग्जरी में है, और जो या सिल्क वूल में है, और अगर प्रिंटेड है तो वो प्योर वूल में है, लाइट वेट सी सॉफ्ट सी। अच्छा, ये है उसमें लग्जरी में, ये वाली शॉल जो है 1100 में आपने इसे डन करना है। अच्छा, एक इसमें ये कलर है, ठीक है, एक इसमें ये ग्रीन शेड है। ये ग्रीन और ये वन सब, ये देखें, एक इसमें ये शेड है इस तरह से, ठीक है। ये चेक कीजिएगा, ये ग्रीन का, और इसमें ये सेंटर में इसकी प्लम डार्क जो प्लम शेड होती है ना, वो वाली सी इसकी शेड है। और बड़ा प्यारा इसका बॉर्डर लग रहा है, बड़ा प्यारा सा कॉम्बिनेशन है जी। मीरा भरून जी, मैं आपको शो करती हूँ। और ये वाली भी वही चीज है, ये देखें इसी तरह से इसकी प्रिंटिंग, पेस्ट प्रिंटिंग है, ये देखें शाइन में। और इसी तरह से इसमें सर बेस पे जकार्ड, इसको आपने 1100 में डन करना है। मीरा भरून जी, मैं शॉल्स कंप्लीट कर लूँ, ठीक है, फिर मैं आपको कलमकार पे शो करती हूँ। कलमकार के थोड़े से रह गए हैं मेरे पास, ज्यादा नहीं है, तो मैं चलो वो आपको शो कर देती हूँ। अच्छा जी, इसमें अभी इंशाल्लाह न्यू कलेक्शन आएगी तो फिर करेंगे उसकी शो। अच्छा, ये देखिएगा, ये कितनी प्यारी शॉल है, ये देखें, ये वाली इसकी प्योर वूल में शॉल है, सॉफ्ट सी लाइट वेट सी, कलर बहुत प्यारा है इसका। और ये देख लें इस तरह से, ये इसका कलर कॉम्बिनेशन है, ये चेक कर लें डिजाइनिंग इसकी और इसका कलर कॉम्बिनेशन। 1100 में आपने इसको डन करना है। इसी तरह से इसी डिजाइनिंग में एक ये ग्रीन है और ब्लू के कॉम्बिनेशन के साथ है, ये देखिएगा।
यार ये व्यूज को क्या हो जाता है, सिग्नल्स का इशू होता है, क्या हो जाता है मुझे नहीं समझ आती, ये क्यों ऐसा हो जाता है, व्यूज क्यों डाउन हो जाते हैं। अच्छा ये देख लीजिएगा, जिस तरह से मैंने वो पर्पल में शो की थी उसी में ये नेवी ब्लू और ग्रीन के कॉम्बिनेशन के साथ है। इसमें थ्री शेड्स आ रही हैं, ये देखिएगा लाइट ग्रीन भी है, थोड़ा सा डार्क ग्रीन भी है, नेवी ब्लू भी है, जिसके साथ भी आप इसे टैली करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन ये डीप करें, ये इतनी प्यारी 1100 में उसकी सॉफ्ट सी वूल की शॉल है, ये देखिएगा इसकी बैक से, ठीक है, सॉफ्ट सी वूल की शॉल है, ओरिजिनल उसकी है निषाद की, तो इसे जस्ट आपने 1100 में डन करना है। अच्छा जी एक ये शॉल है, ये आप चेक करो, ठीक है, ये भी निषाद की है, ये देखिएगा निशा बाय निषाद, ये सारी निषाद की 110% ओरिजिनल है। अच्छा जी एक इसमें ये शॉल है, ये देखिएगा, ये भी बहुत प्यारी शॉल है, ये भी जस्ट 1100 में डन कीजिएगा इस तरह से, ये प्योर वूल में ये शॉल है। अच्छा एक इसमें ये वाली शॉल है निशात में, इसको आपने जस्ट डन करना है 1000 में, ये देख लीजिएगा इस तरह से, ये भी वूल में है, इस तरह से इसके इधर से टसल्स बनेंगे, ये चेक कर लीजिएगा, ये इसके टसल्स बनेंगे इसके, और इस तरह से डबल शेड में, यानी कि डबल शेड में ये है, ब्लैक है स्किन है, और सेंटर में इस तरह से इसकी डिजाइनिंग है, इसे आपने जस्ट 1000 में डन करना है। इसके अलावा ना ये मेरे पास शॉल्स हैं, अच्छा ये वाली वो शॉल है नॉर्मल वाली, ये शॉल है, अच्छा ये जो अक्रेलिक और वूल मिक्स होता है ना, अच्छा ये वो वाली शॉल है, इसमें आप कलर्स देख लें इस तरह से, ये जकार्ड बेस पे, ये देखिएगा जरी में इसका बॉर्डर है, ये चेक करें आप इस तरह से, ये देखिएगा जरी में इसका बॉर्डर है, ये आप चेक कर लें, और कलर्स देख लें आप इसमें, ये क्रैलिक और जो वूल मिक्स होती है ना, ये वो वाला फैब्रिक है, इसे आपने जस्ट 850 में डन करना है, 850 में इसे डन कीजिएगा। अच्छा आप इसमें कलर देख लें, एक इसमें ये कलर है, ठीक है, एक इसमें ये ऑफ वाइट शेड है, और एक इसमें ये मैरून शेड है, इसके अलावा ये देखिएगा इसमें रेड शेड है, इसमें ये मैरून शेड है, ये 850 की है आइना मलिक जी, और एक इसमें ये चॉकलेट ब्राउन शेड है, ये देख लीजिएगा, ये 850 में आप डन कीजिएगा। नहीं है ये कलर मैंने शो किया है पहले, ठीक है, निशात में एक ये कलर शो किया है इस तरह का, इसमें कैमल कलर नहीं है, इसमें ये चॉकलेट ब्राउन शेड थी, ये वाली शेड है, 850 में इस शॉल को आपने 850 में डन करना है। ये पहले मैंने ज्यादा में सेल किया, अब इसमें कलर थोड़े से रह गए, तो आप इन्हें बस देख लीजिएगा, जिसको जो कलर जिसका मैच करता हो। अच्छा जी ये एक मेरे पास मारिया भी की शॉल है, ये भी प्योर वूल में शॉल है, ये 110% ओरिजिनल है, ये देख लीजिए, ये बहुत प्योरी शॉल है, प्योर मारिया भी की है, प्योर वूल में है, ठीक है, इसी के भी इस तरह से टसल्स बनेंगे, ये आपको 2500 में मिलेगी, मारिया भी की जो प्रिंटेड शॉल है ये 2500 में आपको मिलेगी। चले जी अब आ जाते हैं कलमकार पे, कलमकार में मेरे पास ये कलेक्शन है, ये देख लीजिएगा इनके ना बस एक एक सूट ही रह गए, ये असल में जब हमें आते हैं ना तो काफी ज्यादा ज्यादा से आ जाते हैं। अच्छा ये देख लीजिएगा इसका जो फैब्रिक है ना, पीच लेदर इसका फैब्रिक है, ये देखिएगा ब्लैक में है, करंडी में इसकी शॉल है, पीच लेदर इसका फैब्रिक है, बहुत प्यारा
आउटस्टैंडिंग सा इसका फैब्रिक, और इसमें है इस तरह से, ये देखिए आप, पैनल्स में ये शर्ट है, ये देखिएगा इस तरह से इसकी थ्रेड पे एम्ब्रॉयडरी। अच्छा ये इसका सेंटर पैनल एम्ब्रॉयडर्ड आ गया, ये आप देख लें। फिर इसके बाद ये देखिएगा, ये इसकी बैक आ गई। अच्छा ये इसके दुपट्टे के आगे पल्लू आ गए इसके, ये इसकी दुपट्टा पट्टी आ गई इसमें। फिर ये करंडी में आ गई इसकी शॉल, ये इसकी शॉल होगी कंप्लीट। पहले मैं शॉल आपको बता दूं, ये इसकी करंडी में प्लेन में इसकी शॉल आ गई। फिर जी इसके साथ ये देखिएगा, ये इसका बॉर्डर आ गया ठीक है, और ये इसके दुपट्टा पल्लू आ गए, दुपट्टे के पल्लू आ गए। ये शॉल होगी कंप्लीट आपकी। इसके बाद ये देख लीजिएगा, ये इसकी स्लीव्स है। अच्छा जी फिर इसके ये वाले पैचेस है, एक इसका ये पैच आ गया, ये इसका बॉर्डर आ गया इसमें। फिर ये देख लीजिएगा, एक इसका ये दामन का बॉर्डर आ गया। इसके बाद जी इसमें ये एम्ब्रॉयडरी में इसकी स्लीव्स आ गई। अच्छा ये इसकी बैक आ गई ठीक है, ये आप चेक कर लीजिएगा, ये इसके साइड पैनल्स आ गए, स्लीव्स एम्ब्रॉयडर्ड आ गई, और ये इसका आ गया ट्राउजर। अच्छा ये देख लीजिएगा, ये इसकी मॉडल पिक्चर है, ये इसकी मॉडल पिक्चर है, ये आप देख लें। बहुत प्यारा सा ये ड्रेस है, पीच लेदर इसका फैब्रिक है, करंडी में इसकी शॉल है, और आपने इसको जस्ट 9000 में डन करना है। 14000 वाला ड्रेस है, 5000 के डिस्काउंट पे ये आपको मिल रहा है। एक ओरिजिनल कलमकार का है लेकिन बी फ्रेश में है, ऑलमोस्ट ये कंप्लीट है। ये पैचेस भी इसके ऐसे ही अवेलेबल है, शॉर्ट्स भी इसकी ऐसी कम्प्लीट है, ब्लैक आउटस्टैंडिंग ये कोड है। जस्ट आपने इसको 9000 में डन करना है। अच्छा जी नेक्स्ट ये देखिएगा, एक ये और बहुत प्यारा सा कोड। अच्छा इसमें ये देखिए आप, ये बड़ा ही प्यारा सा कोड है, पीच लेदर इसका फैब्रिक है, ये देखिएगा इस तरह से पीच लेदर फैब्रिक में ये है, फुली एम्ब्रॉयडर्ड में ये सेंटर पैनल है इसका, ये आप देख लें। अच्छा जी फिर इसके ये देख लीजिएगा, ये इसके साइड पैनल आ गए एम्ब्रॉयडर्ड में, ये आप चेक कीजिएगा, एक इसका ये साइड पैनल आ गया, ये इसकी एम्ब्रॉयडर्ड में स्लीव्स आ गई। फिर ये सारे इसके, ये इसकी बैक की नेक है एम्ब्रॉयडर्ड, वो आ गई सारे इसके एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस। एक इसके साथ ये वाला देख लें, ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच आ गया। फिर इसकी ये वाली एक्सेसरीज आ गई। अच्छा जी इसमें ये देखिएगा, ये वाली एक्सेसरी आ गई इसकी, ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच आ गया। फिर जी इसमें ये इसकी आ गई बैक, और नहीं हाँ जी ये इसका ट्राउजर आ गया, इसकी बैक और स्लीव्स आ गई इसकी एम्ब्रॉयडर्ड। ये बड़ी प्यारी सी करंडी में इसकी जकार्ड के साथ, करंडी में इसकी ये शॉल आ गई, ये देखिए आप बड़े प्यारे से मल्टी कलर में है इसकी, ये देखिएगा इस तरह से। अच्छा जी इसे आपने 8800 में डन करना है, 8800 में इसे डन कीजिएगा, ये देखिएगा इस तरह से इसकी लुक आएगी, ये चेक करें। और ये इसकी प्राइस देख लें, फिर एक इसमें ये देखिएगा, ये सूट बहुत प्यारा, बड़ा प्यारा सा ये कलर है, ये आप देखें
इसकी एम्ब्रॉयडरी देखिएगा, जिंक इसकी शेड है और इसके साथ करंडी में ये जबरदस्त सी एम्ब्रॉयडर्ड शॉल, ये आप चेक कीजिएगा, बहुत प्यारी ये चीज है। शॉल करंडी में है और इस तरह से सारी एम्ब्रॉयडर्ड है, बड़ी प्यारी है। इसके साथ जी हम आपको करते हैं शो इसकी प्यारी सी कलेक्शन में इसके ड्रेस। इसमें आप ये देखिएगा एम्ब्रॉयडर्ड में, ये चेक करें एम्ब्रॉयडर्ड में ये इसका इस तरह से सेंटर पैनल आ गया, ये इसके टू साइड पैनल्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। फिर इसमें ये देखिएगा इसकी बैक आ गई, स्लीव्स आ गई, ठीक है, और ये देखिएगा, ठीक है, इसकी स्लीव्स और ये आ गई इसकी बैक एम्ब्रॉयडर्ड आ गई, ये इसका ट्राउजर आ गया। फिर इसमें इसके साथ ये इसके ट्राउजर का पैच है, ठीक है, ये इसकी बैक की नेक के बड़ा प्यारा सा लक्जरी में ये ड्रेस है और बड़े अच्छे ऑफ पे मिल रहा है। इसके साथ ये देखिएगा इस तरह से लक्जरी में ये एम्ब्रॉयडरी नेक आ गई। फिर इसके साथ ये इसके आगे दामन पे और चाक पे लगने के लिए ये पैच आ गया इसका, और ये इसकी एम्ब्रॉयडरी में है इसकी शॉल। अच्छा जी, ये इसकी मॉडल पिक्चर है, ये देखिएगा इस तरह से इसकी लुक आएगी। इसे आपने 9000 में डन करना है, 9000 में डन कीजिएगा। ये देखिएगा बड़ी प्यारा सा ये ड्रेस है और बहुत ही प्यारी सी ये इसकी कलेक्शन है, ये देख लें, ओरिजिनल प्राइस भी देख लें और इस पे डिस्काउंट भी देख लें। ऑलमोस्ट ये कंप्लीट है और फ्रेश है, बड़ी प्यारी सी ये एम्ब्रॉयडरी इसकी, लाइट वेट सी, सॉफ्ट सी है खद्दर, और ये ब्रांड है कलंकार। ठीक है मेरे वरुण जी, एक इसमें इस कलेक्शन का एक इसका था ये ब्लू शेड, ठीक है, एक इसमें ये ब्लू देखिएगा, ब्लू एक ही है, हाँ तो ब्लू एक ही। अच्छा जी, इसमें ये देखिएगा इसकी है ब्लू शेड, इसमें फुली एम्ब्रॉयडर्ड में ये शर्ट आ गई इसकी इस तरह से, ठीक है, ये देखिए आप इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड में ये शर्ट आ गई। फिर इसके साथ ये इसके आगे पैनल्स आ गए, ये आप चेक कीजिएगा, ये बड़े प्यारे से इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड में इसके पैनल्स आ गए, ये देख लें आप। इसके साथ ये इसका ट्राउजर आ गया, ये चेक कर लो। फिर जी इसकी ट्राउजर के बाद आ गई इसकी, ये देख लें आप, इसकी बैक और स्लीव्स आ गई। फिर इसके सारे ही ये चेक कर लो, ये इसकी शॉल जो है ना, ये देखते हैं, ये मैं वो शॉल ढूंढ रही थी, शॉल तो इसकी करंडी में, ये देखें, ये करंडी में इसकी शॉल है। मेरी राजपूत जी, जो शर्ट है इसका फैब्रिक लाइट खद्दर है, सॉफ्ट सी, और जो शॉल है इसका फैब्रिक करंडी है। इसने शॉल्स चाहे पीछे जो फैब्रिक दिया है, चाहे खद्दर दिया है, शॉल सबके साथ करंडी की है। ये देखिएगा, ये करंडी में एम्ब्रॉयडर्ड शॉल है, इसके साथ ये देखिएगा इसके एम्ब्रॉयडर्ड ये पल्लू यूज होंगे, ये वाले पल्लू भी इस पे यूज होंगे, ये भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा ये देखिएगा, ये वाला जो बॉर्डर है ना, ये भी इसके फोर साइडर यूज होगा, ठीक है, ये आप देख लो। फिर बाकी ये वाले जो है ना, एक ये पैच है शर्ट का, ये वाले ये देखे बड़े प्यारे से ये वाले पैचेस हैं शर्ट के। अच्छा, इसकी बैक की ना ये देखिएगा, इसकी बैक की ना नेक भी एम्ब्रॉयडर्ड है, एक इसका ये वाला पैच इस तरह से, ये देखिएगा ये वाला भी पैच है आपको, ये वाला भी मिलेगा, ये और शॉल भी इस तरह से कंप्लीट मिलेगी, पल्लू हैवी एम्ब्रॉयडर्ड और फिर ये इस तरह से दुपट्टा पट्टी, ये इस तरह से आपका ड्रेस बनेगा, ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा। इसे भी आपने 9000 में डन करना है। इसकी नेवी ब्लू शेड है, ये देख लीजिएगा, ठीक है, 9000 में से डन कीजिएगा। अच्छा जी, लाइट कलर मदर कलेक्शन में लाइट कलर में मदर कलेक्शन में मेरी राजपूत जी, आप ये तहजीब में देख लें, पीच लेदर इसका फैब्रिक है, ठीक है, ये बड़ा प्यारा लग्जरी वाला फैब्रिक है। इसमें एक ये लाइट कलर है इसका, बी फ्रेश में कोई लाइट कलर नहीं है, ठीक है, मदर की पहनने वाला, लेकिन इसमें है पीच लेदर में है, एक ये वाला देख लीजिएगा ऑफ वाइट शेड है,
इसकी शॉल्स बहुत प्यारी हैं, ये जिस तरह मर्जी मदर विंटर में शादियों पे पहने, जिस तरह से भी, ये लग्जरी वाले स्टफ है। और एक इसमें ये वाला ग्रे वाला है, आप जो मुझे कह देंगे मैं ओपन कर दूंगी। ये पीच लेदर, इस तरह से ना सिंपल लेदर नहीं है, ये जो जरी में होता है ना ये लेदर, वो वाला फैब्रिक है, ये देखिएगा। इसकी प्राइस 6500 है, बड़ी प्यारी सी डिसेंट सी इसकी एम्ब्रॉयडरी, और जरी में सीक्वेंस में, जरी में है ये देखिएगा। इस तरह से शॉल भी इसकी फुली एम्ब्रॉयडरी है जी। मैं ग्रे शो करती हूँ, ये बी फ्रेश में नहीं है, ये फ्रेश में है, ये मैंने कलर शो कर दिए। मैं बी फ्रेश पहले शो करूं, फिर मैं बाद में इसको शो करूंगी। अच्छा जी, मेरे भरूं मैं जी ऑफ वाइट ओपन कर देती हूँ। अच्छा ये देखते हैं ऑफ वाइट में, चलिए ठीक है, फिर मैं पहले ये ओपन कर देती हूँ दोनों ही, ग्रे और ऑफ वाइट, फिर उसके बाद में बी फ्रेश में शो करती हूँ। अच्छा थोड़े से रहते हैं बी फ्रेश में, इसमें थोड़े थे। अच्छा ये देखिएगा, ये इस तरह से नेक इसकी एम्ब्रॉयडरीड है, लग्जरी में इसका फैब्रिक है, ये देखें इस तरह से बड़ा ही प्यारा लग्जरी फैब्रिक। और ये देखिएगा इस तरह से, ये सीक्वेंस के साथ इसकी शर्ट है एम्ब्रॉयडर्ड ऐसे, ये देखें इस तरह से। इसमें फिर ये आप चेक कीजिएगा, इसी तरह से एम्ब्रॉयडर्ड में ही इसकी स्लीव्स है, ये देखें ये बड़ी प्यारी एम्ब्रॉयडर्ड में इसकी स्लीव्स आ गई। अच्छा ये इसकी बैक आ गई, ये इसके साथ एम्ब्रॉयडर्ड पैच है, बड़ा प्यारा डिसेंट सा ये कोट बनना है। ये इसका ट्राउजर आ गया। अच्छा शॉल भी इसकी बहुत प्यारी है, पीच लेदर में, बिलीव करें कि बहुत लाइट वेट सी सॉफ्ट सी शॉल है, ये देखिएगा इस तरह से ना फुली एम्ब्रॉयडर्ड में, इस तरह से जाल में ये इसकी शॉल है, और इतनी प्यारी सॉफ्ट सी है, लाइट वेट सी, ये देखिएगा इस तरह से, बड़ा प्यारा डिसेंट सा ये कोड है। 6500 में आपने इसे डन करना है। पीच लेदर है, तहजीब आर्ट्स का है, ये रियाज आर्ट्स वालों का है, तहजीब इसका वॉल्यूम, ये देखिएगा इस तरह से इसकी लुक आई। अच्छा जी, ये किसी ने कहा था कि ग्रे ओपन कर दें, चले जी पहले ग्रे ओपन कर देती हूँ। अच्छा ग्रे में देख लीजिएगा, इसकी मेरे ख्याल में फोर ही कोर्स है, एक और ब्राउन है और एक रेड है। अच्छा इसमें जी ऐसा ही है। अच्छा जी इसमें ये देखिएगा, इस तरह से फुली एम्ब्रॉयडर्ड में, ये आप चेक कर लें, ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड में इस तरह से शर्ट है, ठीक है, टोटली ये थ्रेड पे इसकी एम्ब्रॉयडरी है, इसमें बहुत लाइट वेट सी जरी। अच्छा ये देखिएगा इस तरह से, उसी तरह का जरी लेदर टाइप इसका फैब्रिक है, ये चेक कीजिएगा, और ग्रे की बड़ी प्यारी डिसेंट ये शेड है, फुली एम्ब्रॉयडर्ड में है, इसके साथ ये एम्ब्रॉयडर्ड में इसकी स्लीव्स आ गई। अच्छा ये बॉर्डर है, ये इसका बॉर्डर आ गया, एक ये चिकनकारी टाइप आ गया, फिर इसमें ये इसकी बैक और ट्राउजर आ गया। इसकी ये शॉल है ना, इसकी कटवर्क में शॉल है, वो जाल में थी, ये देख लीजिएगा इसकी कटवर्क में है इस तरह से, ये देखिए ऐसे, ये आप चेक कर लो, ठीक है। 6500 में आपने इसे डन करना है। ये इस तरह से इसकी मॉडल पिक्चर है। प्राइस जो कलम उसकी है ना, पीछ लेदर तहजीब की प्राइस वो इसी की, सबकी प्राइस जो है ना 6500 है, कलमकार की डिफरेंट है, उनकी सेम ही थी। अच्छा शाल जो थी ना वो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में शो की है, और बड़ी प्यारी सी शो की है, एक वो मारिया बी के डिजाइन वाली शॉल्स थी वेलवेट में जो थी बोस में, वो चेक कीजिएगा। अच्छा ये करंडी पे है, ये भी बहुत प्यारा ड्रेस है, फुल हैवी में है और बड़ी रीजनेबल प्राइसेस में ये है, ये देख लीजिएगा। इसका मिरर का वर्क इतना प्यारा है, ये सॉरी ऐसे है फॉल वर्क जैसे ओरिजिनल मिरर वर्क होता है। अच्छा ये देख लीजिएगा इस तरह से, ये टू पैनल्स आ गए,
ये इसके ढेर सारे इस तरह से पैचेस है, शायद इसमें से ना कुछ इसके दुपट्टे के भी हैं। अच्छा ये वाले देख लीजिएगा, ये देखिएगा, फिर इसमें ये देखिएगा, ये इसकी बैक आ गई। अच्छा ये इसका ट्राउजर आ गया, और ये देखिएगा ये इसका फ्रंट पर सेंटर पैनल आ गया, ये आप चेक करो। ठीक है, ये बहुत प्यारा फॉयल वर्क में ये है, इसके साथ आप ना ये देखिएगा ऐसे, ये करंडी में एम्ब्रॉयडर्ड में इसकी शॉल, जस्ट 7000 में आपने इसको डन करना है। ठीक है, बड़ी रीजनेबल प्राइस में ये है और बहुत प्यारा कोड है। इसकी मॉडल पिक्चर मैं आपको शो करती हूँ, ये वाली इसकी मॉडल पिक्चर, ये देखिएगा इस तरह से कंप्लीट आपकी लुक आएगी। ये देखें ऐसी नेक हैवी स्लीव्स, और ये देख लीजिएगा सारा। ठीक है, इसे आपने जस्ट 7000 में डन करना। कलर देखने बहुत प्यारा है, और इस तरह से सारा ये एम्ब्रॉयडर्ड है। अच्छा जी, अब इसकी, हाँ जी नहीं, इसकी तो पिक्चर ही नहीं थी। अच्छा जी, इसमें ये देख लीजिएगा, ये भी करंडी इसका फैब्रिक है, और इसकी यार शॉल देखना कितनी प्यारी है। सेमली इसका वॉल्यूम था, और ये शॉल कलेक्शन में ही था इसका। अच्छा जी, इसमें ये देख लीजिएगा, ये इसका ट्राउजर आ गया। अच्छा ये सारे इसके पैचेस हैं, ये वाला इसका फैब्रिक पे, ये वाला भी, ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, ये इसके टू मोटिव्स आ गए। इसकी ना मेरे पास शॉर्ट फॉर्म में है, क्या उसे कहते हैं, पिक्चर, तो वो फिर मैं आपसे शेयर कर दूंगी। अच्छा इसमें ना ये मैं आपको बड़ी रीजनेबल प्राइस में दूंगी, ये इनका 8400 में मैंने इसको सेल किया था। अच्छा ये देख लीजिएगा, एक इसका ये पैनल है, ठीक है, ये इसके दोनों साइड पैनल्स बन जाएंगे। ये वाला जो है ना, इसमें से आपने सेंटर पैनल निकालना है, और इसमें से एक साइड से और बैक से जो है ना इसकी स्लीव्स आपने एडजस्ट करनी है। ठीक है, इसकी स्लीव्स के लिए अलग से फैब्रिक नहीं है, आप ट्राउजर में से एडजस्ट कर लें, बैक फ्रंट से जिस तरह से भी कर लें। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, ये इसकी इसकी शॉल देख लें यार, ये जस्ट आपको ना 7000 में ये भी मिल जाएगा। ये ब्लैक के साथ का था, मैं आपको इनकी एक्चुअल प्राइस दिखाती हूँ, इनसे पिक्चर मेरी मिस हो गई है मुझसे। ये देखिएगा इस तरह से बहुत प्यारी इसकी प्योर वूल में, इस तरह से इसकी, ये देखिएगा डबल साइड में, ये देखिए इस तरह से इसकी ये शॉल, ये चेक कीजिएगा बहुत प्यारी सी, ये देखिए आप। और इसको आपने जस्ट ना 7000 में इसे भी डन करना है। बहुत प्यारा ये आर्टिकल है, कलर भी बहुत प्यारा है, करंडी इसका फैब्रिक है। हाँ जी जी, ये 13000 वाला था, ठीक है, इसे, हाँ जी इसे आपने अब 7000 में डन करना है। उसकी स्लीव्स साइड पैनल्स का कहने के आप फैब्रिक का थोड़ा सा इशू था, तो इस वजह से वो लेस, ज्यादा लेस प्राइस में है। अच्छा इसी के वॉल्यूम का ये देख लीजिए, इसका था, ये देखें जी एक्चुअल प्राइस इनकी 13000 थी, ये देखें। जी प्रिंट लिनन है, गुल जी की है प्रिंट लिनन। अच्छा ये देख रहे हैं, ये इसके साइड पैनल्स आ गए ब्लैक में, इसका भी करंडी फैब्रिक है, ये इसकी शॉल कलेक्शन थी, ये इसकी स्लीव्स आ गई, बैक आ गई। अच्छा ये इसकी देख लीजिएगा एम्ब्रॉयडरी नेक आ गई इसमें, फिर इसके ये वाले पैचेस आ गए सारे, ये पैचेस आ गए, ये देख लीजिएगा ये इसका ट्राउजर आ गया, और ये इसकी शॉल देख लें कितनी प्यारी है यार। ये इस तरह की जो शॉल्स है ना, अब ये वाली जो शॉल्स है, ये शॉल्स 3000 से अबव मिल रही है, ये चेक कीजिएगा जिस तरह की ये कलमकार ने शॉल दी है। ये देखिए इसका बॉर्डर, ये चेक कीजिएगा इस तरह से, ये देखिएगा, ठीक है, और ये शॉल चेक करें, बहुत प्यारी ये शॉल है, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा इसमें मैं आपको बता दूं, इसका ये वाला जो है ना, ये वाला इतना जो पोर्शन है, ये वाली जो चीज है, ये देखिएगा इतनी जो ये वाली चीज है, ये वाला जो पैच है ना एक, ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, 13000 इसकी एक्चुअल प्राइस है। चले जी आप इसे अब ना, ये मैंने 84 तक इसको सेल किया है, चले आप इसे 7800 में डन कर लीजिएगा, 7800 में इसे ले लीजिएगा।
ये देख लीजिएगा इस तरह से ये इसकी लुक आ रही है। ठीक है, शॉल है इसकी, और इस मैंने आपको क्लियर बता दिया, आई थिंक शायद ये मोटे भी नहीं है। अच्छा, ये वाला जो इसका ना, ये वाला जो मेन है, ये वाला थोड़ा सा इसका पैच नहीं है, बाकी नेक बाकी पैचेस वगैरह इसके ना वो अवेलेबल है। अच्छा जी, एक इसमें ये चेक कीजिएगा, ये देखिए। अच्छा, इसमें ये ना स्लब रीजन फैब्रिक पे ये बहुत प्यारा लग्जरी में है, ये चेक कर लीजिएगा। ये भी पैनल्स में शर्ट है, ये देखिए आप इसका, इस तरह से एक इसका ये साइड पैनल है। ठीक है, और ये स्लब डिजाइन इसका फैब्रिक है कलमकार का, ये देखिएगा इस तरह से बहुत प्यारा, एक इसका ये साइड पैनल आ गया। अच्छा जी, फिर इसमें ये देख लीजिएगा, ये इसका आ गया सेंटर पैनल एम्ब्रॉयडर्ड में, ये अच्छा इसकी बैक और स्लीव्स एम्ब्रॉयडर्ड में, ये इसके ढेर सारे पैचेस हैं। एक ये देख लीजिएगा एम्ब्रॉयडरी में लॉन्ग नेक है, ये वाला भी इसका पैच है, ये भी है, ये इसमें भी इसके पैचेस हैं, और ये सिल्क बेस पे भी इसका है पैच। इसके अलावा ये देखिएगा इस तरह से ना, ये चेक करें, बहुत प्यारा वेव्ड इसका दुपट्टा है जैकार्ड टाइप में, ये देखिएगा सीक्वेंस के साथ ना वेव्ड इसका दुपट्टा है। इसे जस्ट 5000 में डन कीजिएगा, ये देखिएगा आप इस पे ना जाइएगा। ठीक है, पिक्चर में कलर बहुत चेंज है, एक्चुअली इसकी शेड देखिएगा, जस्ट इसे 5000 में डन कीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट ये देखिएगा, एक ये है इत्तेहाद का है करंडी में, इसे आप चेक कर लीजिएगा। इसमें ये देखिएगा, ये इसकी ट्राउजर और बैक आ गई, फुल एम्ब्रॉयडर्ड में है इसकी शर्ट, इस तरह से ये देखिए फुल एम्ब्रॉयडर्ड में इसकी शर्ट है, करंडी इसका फैब्रिक है। फिर जी इसके साथ ये देखिएगा, ये इसके स्लीव्स आ गए एम्ब्रॉयडर्ड में, और कॉटन में, कॉटन जैकार्ड में है इसकी शॉल, इसे आपने जस्ट 3800 में डन करना है, 3800 में इसे डन कीजिएगा। ये देखिएगा, ये इसकी मॉडल पिक्चर आ गई, सारे रेड एंड ब्लू इकट्ठे किए। हाँ जी, बस ऐसे ही है। नहीं, जब आते हैं ना फिर तो सारे कलर्स ही आते हैं। अच्छा, फिर कुछ ऐसा होता है कि कुछ कलर ज्यादा रह जाते हैं, समटाइम ऐसा होता है समर में, व्हाइट ऑफ व्हाइट जो होता है ना, वो कलर जो है वो ज्यादा रह जाते हैं। अच्छा, ये देखिएगा एक कलमकार में ये कलर चेक कीजिएगा, नहीं वो जो आपने कलर पसंद किया ना, वो बड़ा प्यारा शेड है। अच्छा, ये कलर चेक कर लें, ये कलर भी बहुत प्यारा है। अच्छा, इसमें ना ये देखिएगा स्लब लिलन इसका फैब्रिक है, ये देखें एम्ब्रॉयडरी चेक कर लीजिएगा, ये बड़ी प्यारी सी इसकी ग्रीन शेड है, ग्रीन धानी सी शेड है। ठीक है, उस पे ना इनकी इधर मस्टर्ड सी शेड लगती है, मस्टर्ड नहीं है ये, ग्रीन धानी शेड है। अच्छा, इसमें ये सेंटर पैनल है, ये इसके टू साइड पैनल आ गए इसमें ना। हाँ जी जी, इसकी मैं आपको बता दूं क्या मसला है। अच्छा, ये इसकी बैक आ गई, ट्राउजर आ गया, बहुत प्यारा है, ट्राउजर का फैब्रिक इसका बड़ा प्यारा है, बड़ा डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, इसमें ना इसकी जो स्लीव्स है ना, स्लीव्स में थोड़ा सा है इशू,
ठीक है। स्लीव्स में इशू ये है कि इसके आगे वैसे मोटिव्स लगने हैं, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देख लीजिएगा, इसकी ना एक स्लीव जो है वो डैमेज है, इस तरह से ये देखिएगा, ठीक है। ये एक स्लीव जो डैमेज है, और दूसरी बात ये है कि इसके साथ ना पैच और कोई नहीं आया, सिर्फ उन्होंने ना ये फोर मोटिव्स दिए हैं स्लीव्स पे यूज करने के लिए। तो मेरा तो ख्याल है कि जब ये स्लीव बनेगी तो उनके मोटिव्स लग के तो वो चीज जो है ना वो कवर हो जाएगी। ये इन्होंने ना फोर मोटिव्स दिए हैं इसके साथ, और इसके साथ और कोई पैच नहीं है। अच्छा कॉटन नेट टाइप पे ये इसका एम्ब्रॉयडरी चिकनकारी में, ये देख लीजिएगा बहुत प्यारा इसका ये दुपट्टा है, ये आप चेक कर लो। अच्छा इसके साथ पैच कोई नहीं है, स्लीव्स डैमेज है इसके, तो इसे ना आपने इसके जो साथ वाला है वो मैंने 9,000 में दिया है, तो इसे आप 8,000 में ले लीजिएगा। ये लॉस पे है लेकिन ये देख लें, इसे आपने 8,000 में डन करना है। जो बात जिस तरह से थी मैंने क्लियर करके दिया है, इसके साथ पैच नहीं है स्वाई फोर मोटिव्स के, स्लीव्स के जो मोटिव्स हैं ये देखे ना, स्लीव्स के यहाँ तक मोटिव यूज होने हैं, तो मे भी वो चीज ना आप इस साइड से निकल जाए। स्लीव्स का पैच नहीं है, दामन के पैच भी नहीं है, दुपट्टा एम्ब्रॉयडर्ड है इसीलिए ये 1,000, बाकी जो ड्रेस है उनसे 1,000 कम प्राइस में दे रही हूँ, तो इसे आपने जस्ट 8,000 में डन करना है। हाँ जी नहीं जी आप, हाँ जी बी फ्रेश में हमारी कोशिश होती है कि जो चीज जिस तरह से हो ना उसको बता के दें। आप अच्छी तरह इसको देख के रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, जिसने भी डन करना है तो फिर उसको लीजिएगा, जस्ट कलर देख के ना कीजिएगा। अच्छा जी फिर ये इसका है, चलें जी मैं पहले आपको पीस लेदर का एक ये शेड है, और ठीक है, और एक पीस लेदर का ये शेड है। अच्छा इसके अलावा ना दो स्टॉलर रह गए हैं, मैं स्टॉलर आपको पहले शो कर दूं। अच्छा एक स्काई कश्मीरी में ये था ये डबल टोन स्टॉलर था, ये देख लीजिएगा, ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा, इसको आपने जस्ट ना ये चेक कर लें, ये देखिएगा ये डबल टोन में है, ग्रे और सिल्वर जो टोन होती है ना उसमें है, इसे आप जस्ट 1600 में डन कीजिएगा, ठीक है। एक ये स्टॉलर रह गया, एक इसमें एक ये एम्ब्रॉयडरी में मैरून रह गया, और इसको आपने जस्ट डन करना है 1300 में, 1300 में इसे डन कीजिएगा। ये देखिएगा इस तरह से, ये चेक करें, ये कॉर्नर्स पे इस तरह से मोटिव्स हैं, और ये वाला है, ये वो एम्ब्रॉयडरी वाला जो पश्मीना में था, ये वाला वो है मिनी शॉल आप इसे कह सकते हैं। ये 1300 में, वो जो स्टॉलर था वो उसका कश्मीरी वाला डबल टोन वाला वो 1600 में था। अच्छा उसमें मैंने पहले इसके दो कलर शो किए हैं पीच लेदर में, एक इसके अलावा इसमें ये कलर है और एक ये रेड वाला शेड। ये देख रहे हैं आप, ये कलर बड़ा प्यारा है, फैब्रिक इसका पीच लेदर है, बड़ा ही प्यारा सा, इस तरह से ये देखिएगा एम्ब्रॉयडर में फुल ये शर्ट है, इसके साथ ये इसकी बैक और नहीं सॉरी ये शॉल है। अच्छा जी ये देखिएगा, ये इसकी एम्ब्रॉयडर स्लीव्स आ गई, ये इसका ट्राउजर आ गया, ये इसमें आ गई इसकी इसकी बैक है, और ये इसका हाँ जी ट्राउजर आ गया, ये है इसकी शॉल, इसी तरह से पीच लेदर में एम्ब्रॉयडर में इसकी शॉल है, ये आप चेक कीजिएगा ऐसे, ये देख लिया, ठीक है। 6500 में आपने इसे डन करना है, ये इसकी मॉडल पिक्चर है। अच्छा जो पहले मैंने सिल्वर और सॉरी ग्रे और ऑफ वाइट शेड दिखाई थी ना, उसमें था जरी पीच लेदर में ना, ये वाला जो है ना ये प्लेन में है, जो इसकी एक अपना टेक्सचर और टोन होती है ना, ये वो वाला पीच लेदर है, ये देखिएगा इस तरह से, ये चेक करें, बड़ा प्यारा सा सॉफ्ट सा फैब्रिक, ये देखिए। अच्छा जी एक इसमें ये रेड कलर है, दो कलर मैंने पहले इसके साथ भी शो किए हैं और दो ये अब मैं इसमें यही कलर अब अवेलेबल है, ये रेड कलर में देख लीजिएगा। अच्छा जी इसमें ये बैक स्लीव ट्राउजर आ गया,
और ये देखिएगा, ये बहुत प्यारा सा इसकी शर्ट का फ्रंट आ गया। ये इस तरह से सीक्वेंस के साथ इसकी एम्ब्रॉयडरी है, ये देखें आप ऐसे। और ये इसकी एम्ब्रॉयडरी में इसकी स्लीव्स आ गई, और ये देखिएगा ये बड़ी प्यारी सी इसकी ना शॉल आ गई, बहुत प्यारी सी इसकी शॉल है, फुली एम्ब्रॉयडर्ड पीच लेदर में इसकी शॉल आ गई। ये देख लीजिएगा रेड इसका शेड है, बड़ा प्यारा सा। और इसको आपने 6500 में डन करना है। ये इसकी मॉडल पिक्चर है, ये देख लें। अच्छा जी, ये ना है इसका कलमकार का ही है, ठीक है, करंडी इसका फैब्रिक है, मिक्स एंड मैच में ये है। ये देख लीजिएगा बड़ा प्यारा सा इस तरह से एम्ब्रॉयडरी में है। ये आप चेक कर लो, ये शर्ट है, ये इसका ट्रोजर आ गया करंडी में, और ये देख लें ये इसके साथ मिक्स मैच में। शर्ट ट्रोजर तो सेम शेड का है, लेकिन दुपट्टा उन्होंने मिक्स मैच में दिया है इसके साथ, तो ये कंट्रास्ट में शायद दिया है। ये देख लो, इसे आपने 2600 में डन करना है, 2600 में ले लीजिएगा। अब यार करंडी का एम्ब्रॉयडरी टू पीस भी 2600 में नहीं आता है, ठीक है, और दुपट्टा तो फिर आपको साथ फ्री का मिल रहा है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये स्पाइक की ना खद्दर की शर्ट है, एक तो ये ऑरेंज शेड में है, ये देख लीजिएगा इस तरह से, ठीक है, ये देखिए इस तरह से बॉर्डर के साथ है, सफायर की ये है, ठीक है, जस्ट 1000 में इसे डन कीजिएगा। सफायर की खद्दर की ये शर्ट है, ये देख लीजिएगा इस तरह से बड़े प्यारे बॉर्डर के साथ है। आई थिंक बॉर्डर क्लियर हो रहा है, ये देखिए आप, ये देख लीजिएगा इस तरह से इसकी डिजाइनिंग है, जस्ट 1000 में इसे डन कीजिएगा। अच्छा, जिसको जो भी डन करना है, शॉल डन करनी है, शॉल मैंने स्टार्ट में शो की थी, निशात की प्रिंटेड भी शो की है, मारिया बी की डिजाइन था, मारिया बी की नहीं, मारिया बी के डिजाइन शायद उन्होंने कॉपी की है, तो इसी तरह से थी वो, वेलवेट की बोसिंग और प्रिंटिंग उसके साथ है, एम्ब्रॉयडरी के साथ, बहुत प्यारी सी शॉल्स हैं वो वाली। अच्छा जी, उसे आप चेक कर लीजिएगा उसमें रिकॉर्डिंग में, ये देख लें एक इसकी निशात, सॉरी सफायर की ये शर्ट है, ये शायद बैक है ये वाली, और ये इसकी फ्रंट है, ये देख लें कलर बहुत प्यारा है, खद्दर है इसका फैब्रिक, जस्ट आपने इसको ना 1000 में डन करना। ओके जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।